राज्य सरकार द्वारा हर व्यक्ति तक निःशुल्क इलाज पहुंचाने की घोषणाएं हमेशा से देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों में कई स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की अनदेखी के चलते न तो चिकित्सक समय पर इन केंद्रों पर पहुँचते हैं, न ही कोई कार्मिक। इसके चलते जब मरीज इन केंद्रों पर इलाज करवाने आते हैं तो चिकित्सक एवं कोई कार्मिक नहीं मिलने के चलते घंटों इंतजार करने के बाद निजी अस्पतालों एवं छोला छाप चिकित्सकों से इलाज करवाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा जिले के सिवाना क्षेत्र के कुशिप उप स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला। इस स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की शिकायत पर जब DCN लाइव न्यूज की टीम पहुंची तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर दो कार्मिक तैनात होने के बावजूद भी सेंटर पर ताला लगा मिला। और जब ANM कुसुम शर्मा से स्वास्थ्य केंद्र नहीं आने को लेकर फोन किया गया तो उनका फोन बंद था। इस मामले को लेकर CHO मनीषा कंवर से जब DCN लाइव की टीम ने फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि ANM का उन्हें नहीं पता और वे पल्स पोलियो अभियान की ड्यूटी पर सिवाना में हैं। जनता के स्वास्थ्य एवं इलाज हेतु तैनात कार्मिकों की ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे ये जो नर्स है वो टाइमली यहाँ नहीं आ रही है। अभी मौसमी बीमारी चल रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है और ना तो ये दवाइयाँ दे रही है और ना ही ये टाइम पे यहाँ आ रही है। आज भी अभी सोशल ये जो बंद है सामुदायिक भवन बंद है। हमारे खेड़ा खिंदावड़ा में भी 2 महीने से नर्स नहीं है, वहाँ पर भी खाली पड़ा हुआ है और मौसमी बीमारी है, भयंकर चल रही बीमारी, इसलिए तुरंत प्रभाव से इनको लगाया जाए। जिले में इन दिनों मौसमी बीमारियां अपने चरम पर हैं। ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्मिक नहीं मिलने से स्थानीय ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर बताया कि समय रहते विभाग इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर उचित स्टाफ की व्यवस्था करें, अन्यथा आगामी दिनों में मजबूरन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।